चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर 21 से 30, कोई क्वेश्चन का आंसर, सेम क्वेश्चन जो था लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट के डिफरेंस का, उस पर कोई आंसर देना चाहे। ओके यस मैम, मैम, लोकल रोल अलाइनमेंट, नंबर 27। ओके, ट्वेंटी मैम सेवन रोल नंबर 27 जी। जी। मैम ग्लोबल अलाइनमेंट एक्चुअली सारे इंटायर सीक्वेंस के लिए यूज होती है, लेकिन जो लोकल अलाइनमेंट है ना वो किसी स्मॉल पोर्शन के लिए हम यूज करते हैं लोकल अलाइनमेंट को। और ग्लोबल अलाइनमेंट के अंदर जो हम अल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं वो नीडलमैन अल्गोरिथम यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोकल अलाइनमेंट के लिए अल्गोरिथम यूज करते हैं उसके लिए हम स्मिथ वाटरमैन का अल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं। और इसके लिए इसमें एंटायर सीक्वेंस हो रहा होता है तो हम क्लोजली रिलेटेड जो सीक्वेंस होते हैं ना ग्लोबल अलाइनमेंट में उसको मतलब ज्यादा कंसीडर करते हैं, लेकिन जो इसमें होता है लोकल अलाइनमेंट में उसमें कन्वर्ट और डाइवर्जेंट जो सीक्वेंस होते हैं ना उनको हम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ सीक्वेंस दूँ, आप लोगों को कैसे पता चलेगा आपके पास कोई सीक्वेंस में मॉलिक्यूलर डेटा है? ठीक है, सीक्वेंस है एटीजीसी के फॉर्म में, चार स्पीशीज का डेटा है आपके पास, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन सी अलाइनमेंट की तरफ जाना है? चार स्पीशीज का डेटा है आपके पास, आपको क्या पता होगा कौन सी अलाइनमेंट करनी है? मैंने मैम लोकल अलाइनमेंट में हम सिर्फ पेयर वाइज अलाइनमेंट कर सकते हैं, हम शायद ग्लोबल की तरफ जाएंगे। बेटा आपने ना मेरा क्वेश्चन सुनना है, ग्लोबल और लोकल का कुछ नहीं बताना है, मैंने जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आपके पास चार स्पीशीज हैं, ठीक है ना, चार स्पीशीज का डेटा है, आप लोगों ने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी अलाइनमेंट की तरफ जाना है? मैम स्पीशीज का नाम होगा हमारे पास? हाँ, स्पीशी 1, स्पीशी 2, स्पीशी 3, स्पीशी 4। उस्मान बेटा आपने कुछ नहीं बोलना, आपकी बारी जा चुकी है, आपको कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। ये जो 21 से 30 वाले हैं ना, इनमें से हैंड रेस करके आप लोगों ने बोलना है जस्ट। ओके जेनिका, योर टाइम इज ओवर, द नेक्स्ट वन। 27 मैम हो जो गया, हमने पहले 28 हो क्वेश्चन, गया, 28 भी हो गया, आगे 29। प्रेजेंट मैम, ओके बेटा बताएं, सलमान बेटा बताएं। जी मैम, मैम सबसे पहले ग्लोबल जो सीक्वेंस अलाइनमेंट आता है इसमें जो होता है ना, अच्छा लोकल हम ग्लोबल को भूल के आप लोगों को मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके पास चार स्पीशीज का डेटा है आप क्या जी मैम डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी अलाइनमेंट की तरफ जाना है? ठीक है, रियली वेरी इजी मैम, बेसिकली होता ये है कि लोकल जो अलाइनमेंट होता है ना उसमें हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो होता है ना वो लेते हैं, लेकिन जो होता है ना ग्लोबल में उसमें हम इंटायर सीक्वेंस ले लेते हैं किसी जीन का, मतलब कि होमोलोगस जीन होना चाहिए उसके लिए। और मैंने आपसे कहा है कि लोकल ग्लोबल की बात ही नहीं करनी है आप लोगों ने, आपने जस्ट मेरी बात का जवाब देना है, आप लोगों के पास चार स्पीशीज का डेटा है, आप लोग किस अलाइनमेंट की तरफ जाओगे? मैम जिसका इंटायर सीक्वेंस मौजूद होगा हमारे पास जी। पूरे जीन आपका का। रोल नंबर क्या है बेटा? 29 मैम। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। सलमान बेटा अपना मैम माइक मल्टी, माइक म्यूट करें। मैम जेनिका नहीं मल्टीपल बताना, अलाइनमेंट, आपकी आपकी बारी बारी ओवर हो चुकी है। और कोई स्टूडेंट कोई रह गया? और 22 आप बताएं बेटा अगर बताना है तो। जेनिका अपना माइक म्यूट करो। अच्छा 22 रोल नंबर आपको, अगर मेरी आवाज आ रही है ना, अगर बेटा आपका उधर से सिग्नल नहीं आ रहे तो आप लिख के बता दो। ओके 21 to 30 मैम मैं डन, बताऊं? रोल नंबर नो सेवन मैम, बेटा थर्टी बताएं जी, बताएं बेटा बताएं। मैम जब सेम लेंथ होगी और सिमिलरिटी होगी तो हम ग्लोबल की तरफ जाएंगे, जब हम लोकल की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी कोई 21 में से 30 वाला बंदा रह गया है तो ठीक है, वरना अपने माइक म्यूट करते जाएं। बुशरा मैम अब इरम, तो आंसर बच इस मैम अच्छा एक्सक्यूज मी मैम, उस्मान बेटा, उस्मान बेटा आपने ना डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करनी, वरना यहाँ पे जो आपके एक दो नंबर लिखे हैं ना मैंने, वो मैंने जीरो में कन्वर्ट कर देने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की बारी है, उनको बोलने का मौका दें। रोल नंबर 31,
ओके 32 33, ये सेम क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम अगर हमारे पास 4 सीक्वेंसेस है ना, तो हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को चूज करेंगे। तो वेरी गुड। फर्स्ट पे हम पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस को जो भी उसका क्लोजली रिलेटेड होगा ना सीक्वेंस, उसके साथ अलाइन करके देखेंगे, देन फिर उसको नेक्स्ट को सेकंड वाले को थर्ड के साथ या जो भी क्लोजली रिलेटेड होंगे ना उनको पहले आपस में कर लेंगे, देन फिर मैम हम उनको ये पेयर वाइज अलाइनमेंट होगी, और लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट वो उसके आंसर आएगा। ओके वेरी गुड। अपना माइक अभी म्यूट करें। अच्छा बेटा ये 4 सीक्वेंसेस वाला तो था ना, इतना कॉमन सेंस है कि आपके पास 2 सीक्वेंस होंगे तो आप लोग पेयर वाइज अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मैंने बताया था 2 से ज्यादा आपके पास सीक्वेंस होंगे तो आप मल्टीपल अलाइनमेंट की तरफ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल है ना। आई डोंट नो आप लोग कहाँ सोए हुए हो, आप लोगों ने ना लेक्चर एक्चुअली देखे नहीं हुए अच्छे से ना, और एक जब मैंने कह दिया ना कि क्विज अनाउंस किया है तब आपने सारी वीडियोज धड़धड़ देखनी शुरू की है, तो ऐसे कैसे आपको समझ आएगी कुछ भी। चले और ऑन को, और कौन सा रोल नंबर एक्टिव है? रोल नंबर 33 34 34। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आपको कुछ बताया था, स्टूडेंट को जरा बताएं डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। यस मैम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है हम उसको सिंपल में यानी कि सब प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करके उनके जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं उनको निकालते हैं। अच्छा जरा दोबारा बताएं। मैम कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम होती है जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर प्रॉब्लम में यानी कि सब प्रॉब्लम में, फिर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और फिर हम ओरिजिनल सॉल्यूशंस निकालते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा कोई और बताना चाहे इसी बात को, आपका रोल नंबर क्या था बेटा? 34। कोई और बताना चाहे इसी बात को? यस मैम, रोल नंबर 36। ओके 36 बेटा बताएं। मैम जो हमारे पास बेसिकली जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, और जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास जो बड़े होते हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर में और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनको सेव करते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। अच्छा सही, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कहाँ होती है, मैंने आपको कहाँ यूज इसका बताया था? सीक्वेंस अलाइनमेंट में। अच्छा कौन से वाली सीक्वेंस अलाइनमेंट में बताइए मैंने आपको ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट कोई भी बात का आंसर देना चाहे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। 38 रोल नंबर। ओके बोलें बेटा। मैम आपने जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का बताया था ना, जो मेथड हम यूज करते हैं मैम वो हम ग्लोबल अलाइनमेंट में यूज करते हैं। अच्छा जस्ट ग्लोबल में यूज करते हैं। मैम मैंने जो मेन पढ़ा है वो तो ग्लोबल में ही इसका मेन देखा था, बाकी लोकल में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। चलें बेटा कोई और आंसर देना चाहे, अपना माइक म्यूट करें। 38 अब कुछ और अगर कोई और बंदा बताना चाहे, 39 40 कोई भी। ओके 39। यस मैम। बेटा मैंने आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यस मैम। मैंने कहा मैंने आप लोगों को डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बताया था, ये कहाँ इम्प्लीमेंट होती है ना? मैम ये ग्लोबल अलाइनमेंट में होती है, आपने इसके 3 स्टेप्स भी बताए थे। ग्लोबल अलाइनमेंट में पहले मैम आपने किया था, उसके अंदर आपने बताया था कि इसे कैसे यूज करते हैं। फिर लोकल अलाइनमेंट में मैम आपने हमें बताया था कि फार्मूला आपने बताया था। अच्छा फिर स्टेप्स भी आप मैम आपने बताए थे 3। अच्छा बेटा आप लोगों को कुछ उसका पता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किए थे हमने इसके? मैम वो हमने मैम 3 फार्मूले थे हमने उसके से वो हमने बनाए थे मैट्रिक्स बनाए थे, उनसे हमने फिर उसे सॉल्व किया था। तो आप लोगों को उन्होंने एरो एरो की मदद से ट्रेस किया था। कैसे मैंने बताए थे आपने देखा है जाके? यस मैम। मैम एरो वो रोज और कॉलम्स में आपने किया था। आई जो थे वो रोज थे और जे जो था वो कॉलम थे। अच्छा और मैम फिर हमने ये स्कोर आप हम जो हमने डिसाइड किया था कि ये इसका स्कोर होना है, स्कोर जो हमने रखा था मैच मिस मैच का गैप का
उसके उसके जरिए मैम हमने वो मैट्रिक्स सॉल्व करने थे। ठीक चले ठीक है बेटा, और कोई बताना चाहे कुछ? थर्टी नाइन तक हो गया, 40 नेक्स्ट कोई भी कुछ बताना चाहे? अच्छा बस इतने ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे, नेक्स्ट कोई भी नहीं है अभी? मैम 49 के बाद है। ठीक है बेटा बताएं। मैम हमने तीन फार्मूले यूज किए थे, इसमें तीन स्टेप किए थे, इनिशियलाइजेशन, दूसरा मैम हमने मैट्रिक्स फिलिंग की थी, और तीसरा हमें मैम उसमें बाद में ट्रांसबैग का हमने मैम फिर चेक किया था। इनिशियलाइजेशन हमने की, उसके बाद मैम मैट्रिक्स फिलिंग का बताना है मैंने। बेटा वैसे ना हैरानगी की बात ये है कि आप लोगों ने ना क्विज में ना मैट्रिक्स सॉल्व करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैट्रिक्स सॉल्व करने का तो नहीं मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने जस्ट ये पूछा था डायनेमिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन आप लोगों को बताने के बाद मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ बताई थी, सिंपल क्वेश्चन ये था आपका। ओके 48 आप बताएं। मैम आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग बताने के बाद उसका बताया था कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो ग्लोबल अलाइनमेंट एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट होती है, उसमें हम इसके तीन स्टेप्स करते हैं एल्गोरिथम के लिए, इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसको मैट्रिक्स फिल करते हैं, और उसके बाद ट्रेस बैक करते हैं। अच्छा सही, आपका रोल नंबर क्या था बेटा? 48। अच्छा स्टूडेंट्स मैंने ना सिंपल सी बात है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बता डेफिनेशन वगैरह बताने के बाद ना मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि अच्छा इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, उसके लिए ना लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट का आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट दे चुकी थी, फिर मैंने कहा था कि ये लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट के पीछे एक एल्गोरिदम रन हो रहा होता है ना, दोनों का अपना अपना एल्गोरिदम है, उनके एल्गोरिदम में ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग रन होती है, और आप लोगों ने मेरे से एल्गोरिदम वाला सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। हैरानगी वाली बात है कि आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी, ये कोर्स पढ़ने के बाद भी नहीं पता कुछ भी। खैर कौन नेक्स्ट स्टूडेंट है अभी? 48 आपकी बारी हो गई है, अपना हैंड जो है वो अभी भी आप लोगों का रेज है। उस्मान आपका भी, आप लोगों की बारी हो चुकी है। मैम रोल नंबर 31। अच्छा बेटा बुशरा आप तब भी प्रेजेंट थी, ठीक है, आप कुछ बोल ही नहीं रही थी तब भी। तो मैम मेरा कोई इशू आ रहा था, मैं बार बार कर रही थी, अभी जाके थोड़ा ठीक अच्छा, हुआ। अच्छा अल्लाह पाक का ना लाख लाख शुक्र है कि ना आपका इशू जो है ना वो सॉल्व हो गया है। अच्छा अभी ऐसे है कि आपने मुझे बताओ, आपने अभी ये जो ऑनलाइन हमने लेक्चर्स आप लोगों ने लिए हैं एक महीना, इसमें आपने क्या सीखा है बेटा? मैम मैंने कुछ लेक्चर्स के लिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ मैंने नहीं लिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अभी भी मेरा 2-3 दिन मोबाइल खराब रहा है। जो मैंने लिए थे मैम उनमें अलाइनमेंट के बारे में कुछ मैंने जो क्लासेस ली हैं और उसके सीक्वेंस, उसकी अलाइनमेंट के सीक्वेंस, ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और एक जो आपने मैम अभी आप डिस्कस करी थी डायनेमिक वाला, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था। अच्छा थोड़ा आपने लेक्चर्स दिए हैं। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आप लोगों का ये कोर्स पास हो जाएगा, क्या समझती हो, क्या सोचती हो आपके, इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप कोर्स पास कर लो? नो मैम जो मतलब आपने लेक्चर दिए थे मतलब वो मैंने लिए थे। कौन से लेक्चर लिए थे आपने? मैम जो आपने यूट्यूब पे दिए थे ना उनमें से, मतलब मैंने कुछ लेक्चर्स कुछ में से नहीं लिए गए, जो मैंने भी लेने हैं इंशाल्लाह, मेरी तबीयत में मुझे थोड़ा सा फीवर था नहीं लिए गए, लेकिन कुछ मैंने लेक्चर्स लिए थे आपके यूट्यूब पे जो आपने सेंड किए। अच्छा चलो स्टूडेंट बहस ये सबके लिए बात है, अगर आप ऐसे थोड़ा 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 करते रहेंगे ना तो बिलीव मी एल्गोरिदम में तो आप लोगों के कोई 8-10 स्टूडेंट फेल हुए थे ना, इसमें से 30-35 फेल होने वाले मुझे आप लोगों के ना हालात से नजर आ गए, जो आप लोगों के कुछ नहीं किसी को भी पता है, मैं पूछ कुछ और रही हूँ बता कुछ और रही हूँ। चलें कोई और रोल नंबर बताना चाहे कुछ? नेक्स्ट 31 हो गया, अच्छा हमारे पास ना रोल नंबर 49 तक हो गया, उसके बाद कोई कुछ बताना चाहे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा जी। मैम
54 रोल नंबर मोहम्मद उस्मान जी। मैम आपने पूछा है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो मैम उसमें सबसे पहले लेक्चर में आपने हमें डेटाबेस के बारे में बताया था, और डेटाबेस के बाद बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें डेटाबेस की आर्किटेक्चर कैसे होती है, उसमें डाटा को स्टोर और स्टोर ट्राइव और सर्च में कैसे यूज किया जाता है, और उसके अलावा मैम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस बताई थी, जिसमें प्राइमरी डेटाबेसेस और सेकेंडरी डेटाबेसेस के बारे में आपने हमें बताया था, और उसके बाद मैम आपने हमें इंट्रोडक्शन दिया था NCBI का, ठीक है, कि उसको हमने ऐसा ऐसा कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद में आपने हमें दो टाइप्स के यानी टू टाइप्स हमने डाटा के अंदर यूज करना होता है, एक प्रोटीन और दूसरा DNA सीक्वेंसेस वगैरह को लेके हमने कैसे सर्च आउट करना है, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद आई थिंक मैम आपने बताया था हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग और इसके साथ K-Tulip और उसके साथ डॉट मैट्रिक्स यानी मेथड ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट आपने हमें बताए थे, और इसके बारे में हमें डिफरेंस बताया था इन सब में, और उसके बाद मैम आपने हमें लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में बताया, और इनके बारे में ग्राफ्स वगैरह हम कैसे बनाते हैं और कैसे इनको सीक्वेंस स्कोर दिया जाता है, मैच और मिसमैच और तीन फार्मूलेस में आपने बताए थे जो कि हम यूज करके इन दोनों एल्गोरिदम्स को रन करते हैं। इसके अलावा मैम आपने हमें बताया था पेयर वाइज अलाइनमेंट के बारे में, और उसके बाद मल्टीपल अलाइनमेंट के बारे में इन डिटेल आपने हमें बताया होगा। अच्छा बेटा, उस दिन ना पेयर वाइज अलाइनमेंट का कोई आप लोगों को सॉफ्टवेयर मैंने करवाया कि नहीं? अभी पेयर वाइज अलाइनमेंट मैम आपने करवाया मैं ब्लास्ट। अच्छा, पेयर वाइज अलाइनमेंट का ना सॉफ्टवेयर का लेक्चर जो है ना अभी आप लोगों का पेंडिंग है, ठीक है ना? पेयर वाइज अलाइनमेंट हमने लोकल के लिए कर लिया था ब्लास्ट, और ग्लोबल का आप लोगों का पेंडिंग है, ठीक है? मैं जस्ट जानना चाह रही हूँ आप लोगों को कुछ किसी को कोई होश भी है कि नहीं। खैर बेटा, आपने अच्छा बताया है। अच्छा, कोई चीज ऐसी जो आपको इस लेक्चर में, इन लेक्चर में से किसी में भी समझ ना आई हो? मैम मैंने ना एक लोकल अलाइनमेंट का ग्राफ बनाया था, उसमें ना मुझे जो मुश्किल आई थी वो ये आई थी कि मैम जब हम बैकवर्ड जाते हैं ना, अच्छा बैकवर्ड जाते हैं यानी नीचे तक, उनको मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है, वो ग्राफ नहीं है जी, मैम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैम उसमें बैकवर्ड जाते हुए ना मेरे एक एक वैल्यू पे ना तीन एरोज आ जाते हैं, तो उन तीन एरोज में दो तो मुझे सॉल्व करना थे, वो मैम तीसरा उसमें मुझे इशू आ रहा था कि वो कैसे करना है, तो उसका नहीं मुझे पता चला बस। अच्छा बेटा, आपके साथ अगर ऐसा था आपने उनसे ग्रुप में डिस्कस किया कि मैडम ये इशू आ रहा है? मैम मैंने स्टूडेंट से रابطہ किया था, तो मुझे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मैम अभी ना कंफर्म नहीं हूं मुकम्मल उस पे भी ऐसे है कि नहीं, क्योंकि मैम दो दिन गुजर चुके, तो मैंने कहा अगर मैं अब क्वेश्चन पूछूं तो शायद मैम मुझे डांट ना दें। अच्छा, डांट ना दूं? अच्छा, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप में बार बार कह रही थी कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछें, और मैं हैरान थी कि इतने टफ से लेक्चर गुजरे हैं मैट्रिसेस वाले और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं किया, तो आप आगे से आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मैंने आप लोगों को डांट देना था क्वेश्चन पूछने पे। मैम उसके लिए सॉरी, बट मैंने आपके सारे लेक्चर सुने हैं, तो ये एक टीचर आप लोगों से व्हाट्सएप पे बार बार पूछ रहा है, स्टूडेंट से मैंने लेक्चर अपलोड किया है, या आप में से कोई भी अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि फौरन उसका जवाब दिया जाए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता हो कि हमने भी काम करना है, लेक्चर देखना है, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग करते ही क्या हैं। खैर बहर, आप लोगों की क्लास की जो हालत है ना, आपसे आप ना मेरे साथ जूम पर हाजिर हुआ करेंगे। जूम पर जो स्टूडेंट आया, क्लास ली, उसकी अटेंडेंस लगी, उसने क्विज ये वो सारे मार्क्स लगवाए, तो ही उसके सेक्शनल के भी मार्क्स लगेंगे, ठीक है ना? कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप लोगों को अलहदा से कोरोना आकर चिमट नहीं गया, पूरी दुनिया में फैली हुई है पेंडेमिक, ठीक है? तो इसने अलहदा से आप लोगों को कुछ नहीं किया है, सो गेट रेडी। चले, नेक्स्ट कोई कुछ बताना चाहे? बस इतने ही रोल नंबर से जो प्रेजेंट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर 62। अच्छा, 62 बेटा, आपने क्या पढ़ा है, कोई लेक्चर लिया है आपने? यस मैम, सारे लेक्चर्स लिए हैं हम। हमने पहले डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद आपने बायोलॉजिकल डेटाबेसेस का बताया था हमें,
सेकंड वाले लेक्चर में, और मैम उसके बाद आपने एनसीबीआई को रन करना हमें बताया था, और उसके बाद आपने ग्लोबल अलाइनमेंट का बताया था। मैंने आप लोगों को कौन कौन से डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना बताया था? मैम आपने हमें जेनबैंक से डेटा रिट्रीव करना बताया है, F6 से बताया है। अच्छा, तो ये मैंने कैसे बताया था कि जेनबैंक आपने कैसे सेलेक्ट करनी है और F6 कैसे सेलेक्ट करनी है? मैम वो उसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वहाँ पे हम जो है वो कर सकते हैं, क्लिक करके हम किसी भी डाटाबेस को क्लिक करके हम उसका डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। यस। अच्छा, ये ट्रूथ हार्ट्स ये किसकी आइडिया बेटा? हाँ बेटा ठीक है, 62 ओके ओके मैम। खैर, जिनकी ना इस तरह की वुलगर सी आईडीज आप लोगों ने बनाई हुई है ना, इसको तरीके और तमीज के साथ अपना नाम दो अपनी आईडीज को और आगे रोल नंबर एंटर करो, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट क्लास के लिए अपना नेम और रोल नंबर दोनों आईडी में नहीं होंगे, वो स्टूडेंट क्लास में एंटर नहीं होंगे। अभी भी यहाँ पर ना बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर नहीं लिखे हुए। तो बेटा आप मुझे बताएं, अगर मैंने आप लोगों के मार्क साथ साथ लगा रही हूँ तो वो कैसे लगेंगे? मुझे क्या पता आपका क्या रोल नंबर है? शायद आप यहाँ से मुझे 42 बताएं तो वॉइस ब्रेक हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ समझूं कि 40 है, तो आप लोगों के गलत नंबर लगेंगे ना यहाँ पे। तो इससे अच्छा है आप लोग अपने नेम के साथ अपना अगर रोल नंबर लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपका क्या रोल नंबर है, ठीक है? और कोई कुछ बताना चाहे, वरना हम लोग बस इस मीटिंग का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। मैम आपका क्वेश्चन था कि आपने हमें एनसीबीआई में कौन कौन सी डेटाबेसेस रिट्रीव करना सिखाई थी, तो मैम इसमें आपने सेकंड लेक्चर में जी मैम डेटाबेस रिट्रीव करनी है डेटाबेस मैम एनसीबीआई मैम नहीं, आपने बस ये पूछा था कि क्या क्या चीजें आपने रिट्रीव करना सिखाई थी ना, इसमें हमने न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस जी मैम वही, इसमें मैम आपने न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को रिट्रीव करना सिखाया था और प्रोटीन डेटाबेस को करवाया था और जो जीन डेटाबेस है उन सबको हमने रिट्रीव किया था। ये प्रैक्टिकल थे मैम तीनों जो एनसीबीआई पे आपने परफॉर्म करके भी हमें सिखाए थे। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स आप लोगों को डेटा रिट्रीव करना आ गया एनसीबीआई से? जी मैम, अभी हमने कुछ कुछ है एग्जांपल जो है, मैं खुद से मतलब मुख्तलिफ स्पीशीज का डाटा वगैरह लेके प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन इतनी अभी जो है मेरी ग्रिप नहीं हुई, लेकिन मैं भी जब तक प्रैक्टिस करते जाएं हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके अच्छा, ब्लास्ट वगैरह रन करके देखा है? ओके बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट को बोलने दे, 65 इट्स ओके। नेक्स्ट वन 39 ओके बेटा बताएं ब्लास्ट के बारे में। हाँ बेटा, ब्लास्ट आपने रन करके देखा है जाके? यस मैम। क्या किया उसमें? मैम उसमें प्रोटीन ब्लास्ट रन किया, सबसे पहले ब्लास्ट को गूगल पे सर्च किया, उसके बाद उसका जो मेन होम पेज आ गया था उसमें से प्रोटीन ब्लास्ट को सिलेक्ट किया, उसमें हमें वो क्वेरी सीक्वेंस मांग रहा था, उसके लिए हम एनसीबीआई में गए, वहां जाके हमने प्रोटीन डेटाबेस सिलेक्ट की, उसमें हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने ऑर्गेनिज्म होमोस्पीशियन का कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस लिया, उसको मैंने कॉपी किया, जाके उसको मैंने ब्लास्ट पी पे मैंने उसका मैंने फास्टा सीक्वेंस दिया और उसको ब्लास्ट पी में जाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि किसके साथ करवाना है, किस स्पीशी के साथ करवाना चाहते हैं, सबके साथ के कोई स्पेसिफिक स्पीशी के साथ, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के उसको रन करवा दिया और उसके बाद जो भी रिजल्ट था। अच्छा बेटा चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट वन जो है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं, अगर कोई रह गया तो नेक्स्ट मीटिंग में ना दोबारा आपने ज्वाइन करना है, ठीक है ना? आप लोगों ने कहीं चले नहीं जाना, साथ में मीटिंग पे आना है दोबारा।